दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज। समाज जहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्वर्णा भड़कते नजर आएगी अक्षरा पर। जी हाँ दोस्तों, कहानी काफ़ी हद तक वैसी ही होने वाली है जिस तरह से पहले हमने अक्षरा और नैतिक की देखी थी। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अक्षरा की वजह से मनीष को हार्ट अटैक आएगा और ये गलती स्वर्णा उसकी माफ़ नहीं करेगी। यानी कि अभी भी लव स्टोरी में काफ़ी कुछ ड्रामा होने वाला है जहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा की वजह से मनीष बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और अक्षरा के चले जाने पर पुलिस स्टेशन मनीष को अटैक आ जाता है और वो पहले ही हिंट दे चुका होता है कि अगर अक्षरा पुलिस स्टेशन गई तो मनीष कभी घर लौटकर नहीं आएगा। अब मनीष लौटकर तो ज़रूर आता है लेकिन अब शायद हमेशा के लिए अलविदा ज़रूर कह जाएगा। देखने को मिलेगा कि मनीष को हार्ट अटैक आता है और आरोही अक्षरा को कॉल करके बताती है और अब यहाँ से जैसे तैसे अभिमन्यु और अक्षरा मनीष को लेने पहुँचेंगे घर और उसे लेकर हॉस्पिटल भागने वाले हैं जहाँ पर देखने को मिलेगा कि कोई और नहीं अभिमन्यु उसकी जान बचाते नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा कि मनीष की यहाँ पर जान बचाने की कोशिश करेगा अभिमन्यु लेकिन यहाँ पर अब मनीष अब यहाँ पर अब उसे बचा नहीं पाएगा अभिमन्यु और यहाँ पर यही वजह होगी कि स्वर्णा अक्षरा से नफरत करने लगेगी और यहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा की ज़िंदगी में एक नया तूफान आ जाएगा जब यहाँ पर मनीष किसी और से शादी की जिद कर लेगा और आखिरी इच्छा उसकी यही होगी कि अभिमन्यु नहीं अक्षरा किसी और से शादी करें। लेकिन अक्षरा इस बात को नहीं मानेगी और वो अभिमन्यु के साथ नहीं छोड़ सकती और देखने को मिलेगा कि मनीष की हालत ख़राब हो जाने वाली है और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मनीष की मौत हो जाएगी। इसी वजह से स्वर्णा उसे माफ़ कर नहीं करेगी और ना ही उसे दादी माफ़ करेगी। अब देखते हैं कि इनको लव स्टोरी में और क्या क्या सामना करना पड़ेगा।